में उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा 5 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया। सबसे अधिक वर्षा जो है सोनपुर के महाराजपुर में 101 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट डे टेम्परेचर बोध में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का 33 और कटक का 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर हम बात करें सीजनल टोटल की तो अभी 1 जून से लेके 29 अगस्त तक 804.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से अभी 10% नीचे है और नौ डिस्ट्रिक्ट अभी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। सिस्टम की बात करें तो जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो ईस्ट सेंट्रल बे बंगाल और देवरोड के ऊपर बनी हुई थी, उसके प्रभाव के चलते आज सेंट्रल और एडजॉइनिंग नॉर्थ बे बंगाल के ऊपर सुबह 8:30 बजे लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है। उसके आज 29 तारीख को यह जो सिस्टम है ये धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और की तरफ मूव करेगा और मोर इंटेंसिफाइड होने की संभावना है ओवर वेस्ट सेंट्रल वे एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे के ऊपर 30 तारीख को यानी कल। उसके बाद अगले 2 दिन तक यह सिस्टम जो है नॉर्थ आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग साउथ उड़ीसा कोस्ट के तरफ के होते हुए जाएगा और ये फर्दर एक डिप्रेशन के तौर पे इंटेंसिफाई होने की संभावना रख रहा है वेस्ट सेंट्रल वे और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे बंगाल के ऊपर। दूसरा जो सिस्टम मानसून ट्रफ जो कि सेंट्रल डीप डिप्रेशन है वो सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर है, वहाँ से उदयपुर देवा शिवपुरी सिद्धि अंबिकापुर पूरी से होता हुआ साउथ ईस्ट होता हुआ लो प्रेशर एरिया और सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ बे बंगाल तक जा रहा ट्रफ लाइन है। इन दो सिस्टम प्रभाव से आज पूरे उड़ीसा में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आज जो है मलकानगिरि कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजम इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। उसके अलावा आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए पुरी खुर्दा नयागढ़ बोध सोनपुर बालगढ़ बुलंदगिर नोपाड़ा कलांगी नगरपुर और कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है। बाकी कोस्टल उड़ीसा पूरे में थंडरस्टॉर्म और जो हैवी रेनफॉल दिए वहाँ पूरे में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, जिसके लिए येलो वार्निंग और वार्निंग दी गई है। डेट टू यानी 30 तारीख को मलकानगिरि कोरापुट गजपति डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी के साथ आइसोलेट एक्सट्रीमली हैवी भी होने की संभावना है, जिसके से रेड वार्निंग दी गई है। उसके बाद नवरंगपुर कालाहांडी रायगढ़ गंजम डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए। उसके अलावा देवत सिंहपुर कटक पुरी खुर्दा नयागढ़ कंधमाल बोध सोनपुर बारगढ़ बोलंगीर नोपाड़ा इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए और इन डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए भी अलर्ट दिया गया है। 31 तारीख को मलकानगिरि कोरापुट नवरंगपुर में ऑरेंज वार्निंग दी गई हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए और गजपति रायगढ़ कालाहांडी बुलंदगिर नोपाड़ा इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी दी हुई है। मलकानगिरि कोरापुट नवरंगपुर रायगढ़ गजपति गंजम इन डिस्ट्रिक्ट में 1 तारीख को हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है।